हेलो स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स आज से हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज वीडियो लेक्चर वन में हम बहुत ही बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में मैग्नेट्स क्या होते हैं और मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया ही होगा सो so देखिए हमें पता है कि जो मैग्नेट है मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन से बनी हुई चीज़ें उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हम ये चीज ये बहुत बार एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास मैग्नेट है मैग्नेट अगर मान लीजिए सेफ्टी पिन है मैग्नेट सेफ्टी पिन को एक डिस्टेंस से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है इसके अलावा अगर हम मैग्नेट के लाइक पोल्स को एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे जो मैग्नेट के लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि जो अनलाइक पोल्स हैं जैसे कि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल तो मैग्नेट के जब अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश की जाती है तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मतलब कि जो मैग्नेट है मैग्नेट एक फोर्स एग्जर्ट करता है है अपने एक पर्टिकुलर रीजन में तो वो रीजन जिसमें मैग्नेट अपनी फोर्स एग्जर्ट करता है उस region, उस रीजन रीजन को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो रीजन है मैग्नेट के अराउंड जिसमें मैग्नेट अपने फोर्स को एग्जर्ट कर सकता है तो हम क्या कहेंगे वट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड मतलब मैग्नेट के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जिसमें उसकी फोर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी मैग्नेट तो ये है यहाँ पे एक यहाँ पे आपको पॉइंट्स जो है जो याद रखने हैं वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास बार मैग्नेट है वी है व बार मैग्नेट अगर हमारे पास बार मैग्नेट है तो उसका एक नॉर्थ पोल रहेगा और साथ ही रहेगा एक साउथ पोल तो क्या यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड पोल्स की सराउंडिंग में बहुत ही स्ट्रांग रहती है चाहे वो साउथ पोल हो चाहे वो नॉर्थ पोल हो तो पोल्स के नज़दीक पोल्स के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग रहती है आफ्टर दैट जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की उसकी डायरेक्शन भी रहती है और उसका मैग्नीट्यूड भी रहता है मीन्स देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं एक होता है मैग्नीट्यूड एंड देन वी हैव द डायरेक्शन अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वान्टिटी है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो ऐसी क्वान्टिटी को हम कहते हैं वैक्टर क्वान्टिटी और जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरियस रूल्स हैं यहाँ पे तो ये तो हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे चीजों को डिस्कस करते ही चलेंगे अभी आप याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं इसलिए इसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स की सराउंडिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगी अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मान लीजिए हमारे पास आयरन फिलिंग है आयरन फिलिंग मीन्स वी हैव पाउडर ऑफ आयरन तो जब आयरन फिलिंग्स को हम किसी मैग्नेट मैग्नेट की सराउंडिंग में पोर करते हैं किसी मैग्नेट मान लीजिए बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट के ऊपर हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं तो वो आयरन फिलिंग्स अपने आप को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से कंक्लूड की जाती है कि यस जो मैग्नेट है वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है जिसकी वजह से जो आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को एक स्पेसिफिक पैटर्न में ओरिएंट करते हैं तो यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड की जाती है दैट यस मैग्नेट की सराउंडिंग में एक तरह की फोर्स जो है वो प्रिवेल करती है और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड सो so स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दीज आर इमेजिनरी लाइंस इमेजिनरी ही हैं तो देखिए जब भी हम मैग्नेट देखते हैं मैग्नेट के सराउंडिंग में हमें एक्चुअली कोई लाइंस दिखाई तो देती नहीं है सो दिस दिस इज़ एन इमेजिनरी कंसेप्ट सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही लगानी है इसी तरह से उन्हें मार्क करना है सो हाउ डू वी प्लॉट दीज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट किया जाता है विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक तो प्रोसीजर क्या है इसका सबसे पहले एक मैग्नेट को रखा जाता है व्हाइट शीट पे व्हाइट शीट पे मैग्नेट रखने के बाद उसकी बाउंड्री को मार्क किया जाता है साथ ही मेंशन किया जाता है उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल तो इस तरह से हमें जो बाउंड्री है मैग्नेट की दिखाई देगी ऑन व्हाइट शीट ऑफ पेपर अब जब हम इसके नज़दीक लेके आएंगे मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक कंपास की नीडल पे ये जो मैग्नेट है ये अपनी फोर्स एग्जर्ट करेगा और जो मैग्नेटिक नीडल है मैग्नेटिक नीडल फिर डिफ्लेक्ट करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोल है वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है अब यहीं पे इसी एंड पे दूसरी बार मैग्नेट कंपस को रखा जाएगा और इसकी डिफ्लेक्शन को नोट किया जाएगा सो डिफ्लेक्शन को हम तब तक नोट करते जाएंगे जब तक कि वो साउथ एंड तक ना पहुंच जाए जो हमारे पास एक्चुअल में एक्चुअल में बाउंड्री इसी तरह से बनती है जब हम मैग्नेट के अराउंड रखते हैं मैग्नेटिक कंपस, तो मैग्नेटिक कंपस इस तरह से अपने आप को अलाइन करती चली जाती है फ्रॉम नाउ नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल सो बेसिकली हम बाद में क्या करते हैं फिर हम असाइन कर देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चलती है और साउथ तक जाती है सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम कंक्लूड करते हैं बाय अप्लाइंग द मैग्नेटिक कंपास। सो क्या कहा जाता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी साउथ तक दिस इज आउटसाइड द मैग्नेट बट इन साइड द मैग्नेट जब इन लाइन को आपस में जोड़ा जाएगा इट विल बी मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सो इन साइड द मैग्नेट फील्ड रहती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जबकि आउटसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन रहती है फील्ड लाइन की फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें दैट आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जबकि इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट रहेगी ये फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ Pool, इस डायरेक्शन को हमेशा याद रखें और यहीं से हमारे पास प्रॉपर्टीज कंक्लूड की जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बिल्कुल इमेजिनरी कंसेप्ट है एक्चुअल में किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में आपको लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी इन्हें प्लॉट किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपस तो मैग्नेटिक कंपस की जो नीडल है इस मैग्नेट की जो फोर्स उस पर एग्जर्ट हो रही है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नीडल है वो अपने आप को अलाइन करती है और उसकी अलाइनमेंट के हिसाब से हम मैग्नेटिक कंपस को दूसरी बार रखते हैं तीसरी बार रखते हैं और मैग्नेटिक कंपस को हम तब तक उन डायरेक्शंस में प्लेस करते जाते हैं जब तक कि हम साउथ पोल तक ना पहुंच जाएं तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और कहां जाके एंड होती है साउथ पोल पे और आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या रहेगी नॉर्थ टू साउथ लेकिन इन साइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है वो रहती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो ये है सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप बिल्कुल है अब आप अपने सामने ही देखिए कि बिल्कुल क्लोज है लूप नॉर्थ से चली फील्ड लाइन साउथ तक गई साउथ से वापस कहाँ जाएगी ये नॉर्थ तक बट इनसाइड द मैग्नेट तो एक तरह से हमारे पास एक क्लोज लूप बन रही है देन वी हैव इट डिस्क्राइब्स दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बता रही है दैट आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो है फ्रॉम साउथ पोल टू दॉर्थ पोल आफ्टर दैट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नवर इंटरसेक्ट ईच अदर मैगनेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती मान लीजिए कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी दें अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी रही हैं तो देखिए ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक नीडल है एक मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है तो क्या आप सोच सकते हो कि नीडल हमारे पास एक है लेकिन एक नीडल एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में पॉइंट करे इज दैट पॉसिबल क्या एक मैग्नेटिक नीडल एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन दे सकती है नो no. सो दिस इज नॉट पॉसिबल एक पॉइंट पे कभी भी मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शन में कैसे पॉइंट करेगी तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नवर इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्ट देट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाई द्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जितनी एक दूसरे के क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी एक दूसरे के क्लोज होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक दूसरे से दूर होने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है तो ये है कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की उसे शो किया जाता है बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं मतलब कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर दूर हैं तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है और ये बहुत ही

टिक फील्ड जो है मैग्नेटिकील की वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस से रिप्रेजेंट की जाती है लाइन्स स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर है फार्दर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वीकर इज द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर दैट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं तो आपका आंसर होना चाहिए ये yes. अगर कहा जाए जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज लूप्स उस टाइम पे आप ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो स्टार्ट होती हैं नॉर्थ पोल से और एंड होती हैं साउथ पोल पे मतलब इनकी डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट बट इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इस तरह से ये क्लोज लूप बनाती हैं आप साथ में इस तरह की डायग्राम शो कर सकते हैं तो ये है यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब वीडियो पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को नोट कर ले